आप सभी को जय मसीह के खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो फर्स्ट टाइम हमारे बीच में इस आराधना में शामिल हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्श के पश्चात का 11वां रविवार है और आज हम प्रभु यीशु के दिव्य रूपांतरण दिवस को हम लोग आज मना रहे हैं, जिसमें आज के दिन के लिए हमारा विषय है मसीह के रूपांतरण के लिए धन्यवाद देना, जिनके स्वरूप में पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी रूपांतरित होते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4-6 में पौलुस कहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आइए प्रभु की आराधना करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 903, यीशु तू है महान। की बात
प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभोज की आराधना में प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए और इस नए महीने के पहले रविवार में आपकी उपस्थिति महसूस करने और आपके अनुग्रह को पाने के लिए आपके पवित्र भवन में एकत्रित इस सुंदर मसीही संगति के लिए, आपकी महिमा का एक और अवसर देने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस महीने हमें किसी भी तरह इस्तेमाल करें जैसा कि आप उचित समझते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विचारों एवं कार्यों का मार्गदर्शन कीजिए। होने दीजिए कि हम अपनी इच्छाओं की खोज करने, उनके पीछे भागने की बजाय आपकी इच्छा के साथ तालमेल बिठाने में आपकी सामर्थ्य और आपकी अगुवाई पाएं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके नाम के कारण सताए जाते हैं, तिरस्कृत किए जाते हैं, विशेषकर उनके लिए जो आपके नाम का सुसमाचार सुनाते हैं। दया करके उनके साथ हो, हर एक मुसीबतों में, कठिनाइयों में उनके साथ हो। होने दे कि उनकी और उनके परिवारों में कोई भी घटी ना हो, कि वे आपका सुसमाचार दृढ़तापूर्वक सभी लोगों में फैला सकें। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें कि हम आपके वचन के द्वारा आशीषित हों और अपने जीवन के द्वारा आपकी, आपके नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट कर सकें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे असीम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, आपने अपने देहधारी पुत्र प्रभु यीशु की महिमा पहाड़ की चोटी पर अपने चुने हुए गवाहों के सामने प्रकट की। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी, जो आपकी संतान हैं, अपने पुत्र प्रभु यीशु के प्रेम का ऐसा दर्शन कराइए जिससे हम प्रतिदिन उनकी समानता में बढ़ते जाएं, जब तक हम उन्हें वैसा ना देख लें जैसा वह है। उन्हीं के द्वारा जो आपकी और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं, आमीन। मल्लिक कृपया पाठ के लिए बैठे। आज के लिए ठहराया गया पहला वचन पुराने नियम से निर्गमन की किताब, उसका 24 अध्याय 12 से 18 पद तक। यहाँ वचन यूँ कहता है,
तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वे यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच से में से पुकारा। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद है। हम सब पढ़ेंगे भजन संहिता 84, 1-2 और 10-12, साम्स 84:1-2 and 10-12। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1,000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहने ही मुझे अधिक भावता है। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ है यूहन्ना 1:28, इसे पढ़ेंगे। परमेश्वर की संतान। अतः ये बालकों, उनमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमें कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने हमें उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यह पवित्र है। यह ईश्वर का वचन है। इसके पढ़े व सुने जाने पर सभी को आशीष मिले। जय मसीह। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 716, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। गीत संख्या 716।
दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 28 पद से लेकर 36 पद तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। वचन में इस प्रकार लिखा है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पत्रस यहुन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पत्रस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पत्रस ने यीशु से कहा, हे स्वामी हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वह उस बादल से गिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमेन। कृपा बैठिए। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के ऊपर ध्यान चिंतन कर रहे हैं और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो देखिए ये रूपांतरण क्या है, इसे उर्दू में बोला जाता हमारे खुदावन का सूरत बदलना। तो उसकी सूरत जो है, उसका रूप जो है, वो किस तरीके से बदला। तो उस यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि ये प्रार्थना करने के लिए 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर गए और प्रभु की पहाड़ पर जाकर अकेले में प्रार्थना में समय बिताना ये अक्सर किया करते थे, रोज ही किया करते थे। कभी रात रात भर प्रार्थना करते थे और इस मर्तबा वो दिन में जा रहे हैं प्रार्थना करने। अक्सर वो भीड़ को, लोगों को छोड़कर अकेले में प्रार्थना करने जाते थे, लेकिन इस बार वो अपने साथ पतरस, याकूब और यहुन्ना 3 चेलों को अपने साथ ले गए और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पे वो प्रार्थना करने लगे। और तीनों चेलों ने एक बहुत अजीब चीज़ देखी कि प्रभु का चेहरा जो है वो बदल गया, उसका रूप जो है बदल गया, रूप में अंतर आ गया और उनकी लिबास, उनके कपड़े जो थे वो ऐसे चमकने लगे कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा
सफाई से किसी ने धो दिया और उनमें चमक आ गई, तो उनका रूप जो है बिल्कुल बदल गया। इसका क्या मतलब था? देखिए, पुराने नियम में लिखा था कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, तो ईश्वर का, परमेश्वर का किसी भी किस्म की मूर्ति बनाना मना थी, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं था, ना उसका कोई रूप था, ना उसे कोई देख सकता था। तो वो खुदा का, जब कोई उसे देख नहीं सकता था, उसका आकार नहीं था, तो उसका रूप नहीं था, तो उसकी मूर्ति भी बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पुराने नियम में ऐसा विश्वास किया जाता था कि परमेश्वर जो दिखता नहीं है, जिसका आकार नहीं है, उसका जलाल है, महिमा है, और वो महिमा रोशनी की तरह, प्रकाश की तरह, नूर की तरह दिखाई देती है, और इसको वो शकीना कहते थे। तो खुदा का जो नूर है, उसका जो प्रकाश है, वो सूरज के प्रकाश से, रोशनी से फर्क है, उसको पहचाना जा सकता है। और खुदा का नूर जो देख लेता है, वो बहुत मुकद्दस इंसान होता है, बहुत धन्य इंसान होता है। तो मूसा ने परमेश्वर का रूप तो नहीं देखा, लेकिन क्या देखा? उसका उसका शकीना, उसकी महिमा देखी। और मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरे, प्रभु यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले, तो जब वो पहाड़ से नीचे उतरे, तो वो 10 हुक्म के पत्थर अपने हाथ में लेके उतरे, तो उनका मुंह जो था जलवे से चमक रहा था, तो लोग देख के डर गए। तो मूसा ने अपने मुंह के ऊपर पर्दा डाल दिया कि उनकी रोशनी से लोग घबरा ना जाए। तो उसी तरीके से यीशु मसीह को भी उसके चेलों ने देखा कि उनका गुरु जो है, उसका भी मुंह जो है वो चमक रहा है, नूर से बदल गया। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रभु यीशु मसीह में देखी। दूसरी चीज उन्होंने ये देखा कि दो लोग आके प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, और वो दो लोग जो हैं, एक तो मूसा है, पुराना पैगंबर, जिसने 5 किताबें लिखी, जिसने खुदा से पहाड़ पर नियम हासिल किए थे, और जिसका मुंह भी चमकने लगा था, जिसने मुंह पे पर्दा डाला था, वो मूसा जो लोगों को गुलाम, मिस्र की, फिरौन की गुलामी से निकाल कर लाल समुंदर से ले गया और दूसरी तरफ ले आया, आजादी में ले आया। तो वो मूसा वहां प्रभु से बात कर रहा है। दूसरा एक और इंसान है, वो इलाइजा है, एलिया नबी। एलिया नबी भी पुराने नियम के एक बहुत विख्यात नबी थे, वो प्रभु से बात कर रहे हैं, यानी प्रभु से नियम देने वाला व्यक्ति मूसा बात कर रहे हैं, और भविष्य वक्ताओं में, पैगंबरों में इलाइजा है, एलिया नबी, वो प्रभु से बात कर रहे हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह सारे नियम और सारे भविष्यवक्ता, जो पैगंबर हैं, उनके जो कुछ उन्होंने लिखा, उन सबको पूरा करते हैं। सारी भविष्यवाणियों को, सारे नियमों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं। हम लोग उन नियमों को, उन भविष्यवाणियों में जो लिखी हुई बातें, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग उनको पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा नियम और भविष्य वक्ताओं की पूरी बातें उनकी जिंदगी में 100% पूरी हो गई। अब सवाल तीसरा है कि
मूसा और एलिया क्यों? क्योंकि मूसा और एलिया का अंत जो था वो बड़ा अजीब तरीके से हुआ था। वो किस तरीके से मरे, मरे या नहीं मरे, उसका कोई क्लियर बात नहीं लिखी हुई है। और एलिया नबी को तो आसमान में उठा लिया गया, आसमान से आग का रथ आया और एलिया नबी उस आग के रथ में सवार हो गए और उन्होंने अपना जो कंबल था, शॉल थी, वो नीचे अलीशा को, जो उनका चेला था, उसको फेंक दी और वो स्वर्ग में चले गए। मूसा के लिए भी ऐसी क्लियर बात नहीं लिखी कि उन्हें कहाँ दफनाया गया या उन्हें आसमान में उठा लिया गया, इसकी भी बात। तो ये दो लोग ऐसे थे जो बड़े ख़ास किस्म के इंसान थे, तो इसलिए ये खुदावंद के पास आते हैं। अब ये क्या बात कर रहे थे उसका भी जिक्र यहाँ पे है। अगर आपने ध्यान से इंजील पढ़ी हो, वो खुदावंद यीशु मसीह के निर्गमन की बात कर रहे थे। देखिए निर्गमन क्या है, पुराने नियम में एक निर्गमन की किताब है, जेनेसिस, एक्सोडस, उत्पत्ति, निर्गमन। निर्गमन बाइबल की दूसरी किताब है। तो लिखा यहाँ पे वो निर्गमन की बात कर रहे हैं। निर्गमन मतलब होता है यात्रा करना, कहीं जाना। तो बनी इसराइल, इब्रानी लोग कहाँ जा रहे थे, वो किस चीज़ की यात्रा कर रहे थे? बनी इसराइल यानी परमेश्वर के जो इसराइल थी, जिसे उन दिनों इब्रानी लोग कहा जाता था, परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से बाहर ले जा रहे थे और वो लाल समुंदर के अंदर से पार होते हुए, और समुंदर क्या हुआ, दो हिस्सों में खुल गया और उसमें से निकलते हुए वो दूसरी तरफ पहुंच गए। और उसके बाद फिरौन के लोगों को लगा कि गुलाम भाग गए हमारे, तो इनको फिर से पकड़ के वापस लाओ, ईंट कौन बनाएगा, घास कौन काटेगा, हमारे मंदिर कौन बनाएगा, किले महल कौन बनाएगा, वापस लाओ पकड़ के ने। तो वो भी गए, लेकिन क्या हुआ, लाल समुंदर में वो डूब गए, उनकी लाशें बहती हुई नजर आईं। लेकिन बनी इसराइल आजादी से सुरक्षित वो दूसरी तरफ पहुंच गए। तो ये निर्गमन है, गुलामी से निकलकर पानी से होते हुए आजादी में सुरक्षित पहुंचना। तो ये प्रभु यीशु मसीह के निर्गमन की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह को भी क्या करना है, यात्रा करनी है। अब यीशु मसीह की क्या यात्रा है, यीशु मसीह की यात्रा क्या है, वो परमेश्वर के शब्द हैं जो इस दुनिया में आए। पहली यात्रा का हिस्सा ये है। और ये दुनिया क्या है, मिस्र की गुलामी है। और किस किस्म की गुलामी है, हम लोग सब उसके गुलामी में फंसे हुए हैं। क्या गुलामी है, बीमारी, मौत, इस गुलामी में हम लोग फंसे हुए हैं। और यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं और फिर वो मौत से होकर गुजरते हैं, उनका सलीब पर बेबहा मौत, और फिर उनको दफनाया जाता है। तो ये क्या है, लाल सागर, ये वो लाल समुंदर है जिससे खुदावंद निकल रहे हैं। पानी, वो पानी में जैसे डूब जाते हैं, उनको भी मट्टी में दफना दिया गया। और तीसरे दिन वो क्या होते हैं, मुर्दों में से जी उठते हैं। जैसे बनी इसराइल लाल सागर से पार हो गई और कहां पहुंच गई, दूसरी तरफ पहुंच गई, और वहां से फिर वो आगे चलेंगे और कनान देश में खुदा उन्हें बसाएगा। तो खुदावन यीशु मसीह भी लाल सागर, उनके लिए ये लाल समुंदर क्या था, मौत और दफनाई। लेकिन
इस सागर से हर एक कोई बाहर नहीं निकलता। आपको याद होगा लाल सागर में मिस्र के लोग भी घुसे थे और वो क्या हो गए, डूब गए, वहां से वो निकल नहीं पाए। लेकिन बनी इसराइल वहां से सागर से निकल गए। इसी तरीके से खुदावन यीशु मसीह जो है मौत से खत्म नहीं हुए, वो मौत से दूसरी तरफ जिंदा जिंदगी में निकल आए। तो मूसा और एलिया हमारे खुदावन यीशु मसीह से इस निर्गमन की बात कर रहे हैं कि तुम आसमान से आए, इस दुनिया की गुलामी में रहे, तुमने उस चीज का देखा जैसे मूसा ने देखा था कि किस किस्म से लोग गुलामी में रहते हैं। मसीह ने भी दुख, मौत और दफनाई की गुलामी को ग्रहण किया और उसके बाद जैसे बनी इसराइल दूसरी तरफ लाल सागर से होती भी बाहर आ गई, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह मौत से बाहर जिंदा आ गए। ये उनका निर्गमन था, एक्सोडस। और इसमें एक खास बात है, जो खुदावन यीशु मसीह को अपनाते हैं, खुदावन यीशु मसीह एक नए मूसा की तरह है, वो एक नए पैगंबर की तरह है, वो उससे भी बढ़कर है, मूसा से भी बढ़कर है, पैगंबरों से भी बढ़कर है, वो खुदा के बेटे हैं। जो कोई उनके साथ चलेगा वो दुख, बीमारी और मौत के समुंदर में डूबेगा नहीं, उस समुंदर से बनी इसराइल की तरह वो पार हो जाएगा। जैसे बनी इसराइल मूसा के पीछे पीछे लाल सागर से पार हो गई लेकिन मिस्र के लोग डूब गए, आप लोग भी अगर मसीह के साथ चलते हैं तो इस दुनिया की जो ये मिस्र है जिसमें फिरौन राज करता है, शैतान राज करता है, इससे निकलकर और वो समुंदर जो दुख, बीमारी और मौत का समुंदर है, इसमें से पार करेंगे और बनी इसराइल की तरह आप इसमें डूबेंगे नहीं और दूसरी तरफ जिंदगी में निकल आएंगे। आज सुबह फैसला हमको करना है कि या तो आप फिरौन के साथ मिस्र में रहेंगे और जब दुख, बीमारी और मौत आ जाएगी आप उसी में बर्बाद हो जाएंगे जैसे फिरौन और उसकी फौज लाल सागर में क्या हुई, बर्बाद हो गई, डूब गए, उनकी लाशें मिली पानी में, या आप मसीह के साथ चलेंगे जो खुदा का बेटा है, जो जिसकी जिसका इस्तकाम या जिसका जिसको दृढ़ीकर कंफर्म किसने किया, मूसा ने करा, पैगंबर मूसा ने, पैगंबर एलिया ने करा, वो खुदा का बेटा है, मूसा से भी बढ़कर, एलिया पैगंबरों से भी बढ़कर आप उसके पीछे चलेंगे तो मौत से होते हुए भी आप कहां निकल आएंगे, जिंदगी में निकल आएंगे। आप दुख, मौत और बीमारी के सागर में बर्बाद नहीं होंगे, उससे निकलेंगे लेकिन जिंदगी में पहुंच जाएंगे। फैसला आपके हाथ में, खुदा ने हमको यह आजादी दी है, हम जिंदगी को चुने या मौत को चुने, हम जिंदगी देने वाले नजात दहिंदा अपने खुदावन यीशु मसीह को चुने या हम फिरौन जो मिस्र में राज करता है, जो अपने बेटे को भी मौत से नहीं बचा सका, जो अपने देश को बर्बादी से नहीं बचा सका, हम उसके पीछे चलें तो बर्बाद हो जाएंगे। फैसला हमारे हाथ में है। हमें यकीन है कि आप लोग सबों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है ताकि आप लोग जिंदगी में रहें, ये शरीर नष्ट हो जाएगा
इस शरीर में हमको दुख, बीमारी और मौत आएगी, लेकिन हमारे जो अंदर आत्मा है इसको अनंत जीवन मिलेगा। किसमें मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन इस अंदरूनी व्यक्ति जो हमारी आत्मा, ये बर्बाद भी हो सकती है अगर हम इस दुनिया में फंसे रह गए। दुनिया में आप रहेंगे, ये मिस्र है, ये मिस्र की दुनिया है, ये एक मेला है, इसमें कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंचे औहदे पे है, कोई नीचे औहदे पर है, कोई बहुत बड़े लोगों में गिना जाता है, कोई पढ़ा बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है, कोई अच्छी जगहों में रहता है, बड़े बड़े घरों में रहता है, किसी के पास रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया है, और जैसे भी हम हैं, हमको ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। किसी भी हाल में हम हो, किसी भी औहदे में हम हो, किसी भी जगह में हम हो, ये इससे हमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अनंत जीवन का, इन सब चीजों के पार एक और दुनिया है जिसमें खुदावंद हमें बुला रहा है। जो यीशु मसीह के पास जाता है वो इस दुनिया की तकलीफ और बीमारी और मौत से डरता नहीं है, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो इस दुनिया में इस समुंदर से निकल रहा है, लेकिन इस समुंदर में वो मरेगा नहीं, वो समुंदर के पार निकल जाएगा। मेरी उम्मीद है कि सारे लोग जो यहां बैठे हैं उनके पास ये उम्मीद है कि दुनिया के समुंदर से जब हम होके निकल रहे हैं तो दुख, बीमारी और मौत में हम बर्बाद नहीं होंगे। फिरौन की सेना की तरह जो बर्बाद हो गई, डूब गई इसमें, हम बनी इज़राइल की तरह होंगे, इब्रानी लोगों की तरह, परमेश्वर के लोगों की तरह होंगे, जो इस लाल सागर से निकलकर इस दुख भरी और मौत की दुनिया से, की लहरों में से होकर निकलकर कहां पहुंचेंगे? दूसरी तरफ, जहां पे जिंदगी है, अनंत जीवन है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। आपको फैसला करना, किसके पीछे चलना है आपको, दुनिया में फिरौन के पीछे जो मिस्र का राजा है, या प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो परमेश्वर के राज्य के ऊपर राज करता है। आपको वो बुला रहा है जीवन देने के लिए, मौत नहीं, जीवन देने के लिए, और आप उसके पीछे चलिए। यही हमारे आज की चुनौती है, आज का ध्यान मनन हमारा यही है। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण जो हुआ वो यही है, उसमें हमने परमेश्वर की महिमा देखी। उसी पर आप विश्वास करिए, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी बातों को सुनिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के लिए, जिसकी महिमा आपके चेलों ने देखी, पतरस ने, याकूब और यहूना ने, और आपका वचन उन्होंने उस बादल से सुना जिसमें से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु जी, हम लोग सबको कान दे कि हम उसकी बातों को सुने और विश्वास करें, और इस दुख भरी मौत और बीमारी के सागर से निकलते हुए भी हमें यह पूरा विश्वास रहे कि हम नष्ट नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन अनंत जीवन के लिए दूसरी तरफ मुर्दों में से फिर से जी उठेंगे, और हम लोग सब अपने प्रियजनों से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। निकाया का विश्वास वचन हम अंगीकार करें, सेक्शन नंबर 14 में, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पर पिता पर विश्वास रख करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है।
हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, प्रीत नहीं वर्णन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के में वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडली के पैर बैठे। हम सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने 24 आवर्स प्रेयर चेन के अंदर जो है आपने हिस्सा लिया कल के दिन में। आज जो है विशेषकर आप ध्यान रखिए कि WFCS की तरफ से आज लंच सेल है। आप सबके लिए जो है कि भोजन की व्यवस्था है और जो है कि आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन आप दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। और आफ्टर द सर्विस हम लोग पैरिश हॉल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो है कि हमारे लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी अच्छी खाने की मेरे ख्याल चीज़ें हैं, तो आप लीजिए, खरीदिए और हमारी वुमेन फेलोशिप को आप सपोर्ट कीजिए। जो हमारी मंथली फास्टिंग प्रेयर है ये 10 अगस्त को है चर्च में। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप शनिवार को 10 अगस्त को चर्च में सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आप आए। ये 10 से लेकर 2 बजे तक ये प्रेयर रहती है। और हमारे यूथ फेलोशिप के यूथ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। यदि आप में से कोई 16 से 30 साल की एज का है तो आप इस कैंप में आप शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे फ्लायर पे नंबर दिए हुए हैं। मिसेज हेपशिबा साल्वन उनका नंबर है और हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं जोनाथन, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बीते रविवार से हम लोग अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं कि हमारा जो CPMF का जो है मेंबरशिप फॉर्म है उसको अपडेट किया जा रहा है। तो आपसे जो है कि आपके पासपोर्ट साइज़ की जो सॉफ्ट कॉपी है आप कृपया करके जो है कि आप भेज दें परिवार सहित। और ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोटो मोबाइल से खींच के इसकी सॉफ्ट कॉपी आप इस नंबर पे भेज सकते हैं ताकि इसको जो है कि हम लोग सही तरीके से इसको हम लोग अपडेट कर सकें। और हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जैसे कि हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमें 8 सिल्वर कैंडल की आवश्यकता है जो हमारे ऑल्टर पे लगेंगी। तो इन 8 कैंडल्स के लिए उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। और जितना पैसा लगना है वो सारा जो है कि आ चुका है। हम जिन्होंने इसके लिए सपोर्ट किया है हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके हम लोग बहुत आभारी हैं। हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग 74,997 रुपये रही है। और जैसे कि हम लोग बीते रविवार, हर रविवार को हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग अपने हिंदी कलीसिया के गोल्डन जुबली के जो है कि बहुत नज़दीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग मनाएंगे 10 नवंबर को। तो इसको आप अपनी दुआओं में याद रखिए कि और अपना सपोर्ट जो है कि फुली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना प्रार्थनाओं के और बिना हमारे आपसी सपोर्ट के ये सक्सेस नहीं हो सकता है। तो कृपया करके आप इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए आप इसका भरपूर सपोर्ट कीजिए। अभी मैं
आमंत्रित करूंगा सिस्टर अनीता मॉरिस को कि वो इसके विषय में कुछ बातें हमारे सामने रखें। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज एक थोड़े खुशगवार से नोट पे अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि एक बार एक सिंगर स्टेज पे गाना गा रहा था, काफ़ी बड़ी ऑडियंस थी। उसने गाना गाया, ऑडियंस ने कहा इर्शाद। उसने फिर वही दोबारा गाना गाया, ऑडियंस ने कहा इर्शाद। चार पांच बार गा के जब वो बहुत इरिटेट हो गया तो उसने कहा भाई क्या बात है, आप लोगों को इतना अच्छा मेरा गाना लगा, आप बार बार वही गाना सुनवा रहे हैं मुझसे, कोई नई की फरमाइश करिए। ऑडियंस में से जवाब आया कि जी नहीं, जब तक आप इस गाने को दुरुस्त नहीं गाएंगे, सही नहीं गाएंगे, हम आपसे बार बार गवाएंगे। शायद वही हम लोगों का अपील का एक रीज़न है कि जब तक हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कहते हैं ना प्रभु की उसमें इबादत में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी, हम में से हर एक मेंबर से छोटा सा अंशदान, उस विधवा का भी जो दमड़ी का दान था वो सभी दानों से बढ़कर माना गया। जब तक कि हम में से हर एक अपने आप बढ़कर यहाँ पे, चाहे आप ट्रेजरर को, हमारे एंजल को या मुझे आके आप नहीं देंगे, ये हमारी अपील जारी रहेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो बड़ी दुख की है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे कि यूके में एक जो चर्च था वो रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। आप सभी जानते होंगे इसका एक मुख्य कारण दो हैं, एक तो कलीसिया का पैसिव होना और दूसरा फंड्स की कमी होना। प्रभु का धन्यवाद कि अभी तक हमारे हृदय हमारे जीवन के साथ लाइव हैं, हम इस चर्च को बरकरार रखें। शायद पुराने ज़माने में ये जो त्यौहार हो गए थे, चाहे वो हिंदूज के हों, मुस्लिम्स के हों और हमारे मसीह भाइयों के हों, वो बहाना ही होता था कि हम अपने आप को एक खुशगवार महल में तैयार करें, घर की सफ़ेदी करें, पुताई करें, खुश रहें। तो शायद ये मौके हमारे चर्च के द्वारा भी जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ये टाइम टू टाइम हमें एक तरीके से कहना चाहिए कि हमें एक जीवन देते हैं, हमें एक तरीके से कि हम कुछ करें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक त्यौहार मनाएं, अपने चर्च के लिए हम कुछ कर सकें। और ये यकीन माने कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ये चर्च की तरफ से मौका मिलता है। जितना भी फंड्स इकट्ठा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, मुझे दोबारा नाम डालने पड़ रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई भी एक ट्रांसपेरेंसी में ज़रा सी भी एक अंश भर की भी गुंजाइश शक की ना रहे। सारा पैसा आपका सही जगह आ रहा है, सही जगह डिवाइड हो रहा है, हमारी कोर कमेटी के ग्रुप हैं, आप चर्च में मुझसे पासवान से इस बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें सेटल हो गई हैं और चीज़ें सेटल होनी हैं। उसके अलावा जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो भी जो हम चर्च को एक सेंसर धूप दान दे रहे हैं चांदी का, उसके अलावा भी हम वो पैसा अपने प्रभु की भेंट में उसके हम अपने उसके वेदी पे अर्पित करेंगे। सबसे बड़ी बात, 10 नवंबर को आप लोग सब आएंगे और चर्च में जो कंबाइंड सर्विस है उसमें भी शिरकत करेंगे और इस 75 सालाना को हम इतने जोश खरोश से बनाएंगे कि हम में से बहुत से लोग 100 सालाना देखने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन जो 100 ईयर मनाएंगे, हम उन लोगों के लिए एक आदर्श, एक आइडियल, एक ट्रेंड, एक बेंचमार्क सेट करके जाएंगे कि वो भी ये कहें कि जो हमारे पिछली पीढ़ी के लोग थे या हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने ये करा और हम शायद उनसे बढ़कर करें। जैसे कि आप जानते हैं 60 सालों को भी लोगों ने बहुत खुशी से मनाया था, उसी तरीके से हम 75 सालों को मनाएं। और धन्यवाद दें हम अपने पासवानों का, अपने ऑफिस बेयरर्स का कि हमें हर तरीके से वो सपोर्ट करते हैं। उनके लिए कोई हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई तमिल नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज भाषा के हिसाब से हम इंग्लिश में आ सकते हैं, तमिल बोलना सीख लें हम तमिल में आ सकते हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है वो सबको आ सकते हैं। तो ये हमें क्योंकि यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी 2 साल पहले, लेकिन अब हम बना रहे हैं और आप सभी का उसमें सहयोग हमें अनकंडीशनल मिलेगा, ये मेरी आपसे गुजारिश भी है और अपेक्षा भी है। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दें। इस हफ्ते जो भी अपना इस हफ्ते जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, यदि आप में से कोई यहाँ पर उपस्थित है तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। फादर मोनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थानों पे खड़े हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने इन भाई बहन को आपके
आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा की वर्षा करिए, आशीषों से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु जी, इनके जन्म दिवस पर हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी आप इनको लंबी उम्र दीजिए, इनको तंदुरुस्ती दीजिए और हर काम जो ये करें उसमें कामयाबी प्राप्त करते जाएं, इन्हें हर किस्म से सुरक्षित रखें। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग अपने परहित निवेदन की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। इस सप्ताह यूक्रेन रूस संघर्ष और इजराइल गाजा संग्राम और इथोपिया और नाइजीरिया में चल रहे संघर्ष को जारी रखा गया है। दुनिया भर में युद्ध और हिंसा के कृत्यों में महिलाएं और युवा विशेष रूप से असुरक्षित लक्ष्य होते हैं। हम भारतीय संयुक्त राष्ट्र के साथ भारतीय शांति सैनिकों के मिशन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को टिकाऊ विश्व व्यवस्था के लिए बुद्धिमत्ता से सलाह लेने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि वह अधिक सहनशीलता से विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने वायनाड के कई भूस्खलनों और देश भर में चरम मौसम की स्थिति के कारण जारी तबाही में अपनी जान और आजीविका खो दी है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडलों के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। मणिपुर में हमारी मसीहियों के लिए प्रार्थना करते हैं और ये भी अनुरोध करते हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ बढ़ते सख्त कानून को दया और समझदारी से संतुलित किया जाए। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रूबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसिस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल, हमारे बिशप और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारे कलीसिया के पासवान मनोदीप डैनियल, रतन राज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ तक कि इस सप्ताह में भी, जब नदियों के प्रदूषण ने न केवल ओलंपिक कार्यक्रम को बाधित किया है बल्कि हमारे अपने शहर के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल दिया है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार है, जो दुख में है अथवा मरणासन है, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी विशेष देखभाल में रखें, क्योंकि वह उस परीक्षा प्रणाली में संघर्ष करते हैं
जो जीवन आशा और सपनों का दावा अर्थहीन रूप से करती है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, ओनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू, इला सुंडी, जोस्विन सैमसन, लीला रिवन बैक, रूपम अलेक्जेंडर और रिचा वर्मा। और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थना को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17, पाप स्वीकरण। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19, हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें।
इस समय हम लोग अपने हदिये का गीत गाएंगे, गीत नंबर 889 तेरे गीत गाओ। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं
और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपका इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया, उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे, उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे, उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा प्रदान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी दय और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के लिए बहाया जा रहा है, तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं, इस कटोरे के द्वारा जिस पे हम आशीष मांगते हैं मसीह के रूप में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है, आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कमियों का लेखा न ले, बल्कि हम सबों के पाप क्षमा करके हमारे इस उपहार को अपने सिंहासन के सामने ग्रहण करने योग्य माने। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करें, आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परमधा बेहोसेला। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमारी शांति प्रदान कीजिए। मेरे
प्रभु यीशु मसीह के बदन जो तुम्हारे लिए थे। पास आओ हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो, स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
प्रभु येसु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएंगे, भजन नंबर 679।